हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ साइंस एके। आज हम लोग लेक्चर 2 करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का, क्लास 9 का। लास्ट क्लास मैंने बता दिया था आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट, मोशन और रेस्ट का कांसेप्ट। तो आज लास्ट क्लास मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, आज भी हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आज हमारा टॉपिक है, इसी पे आज हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, पहले जो आपके बोर्ड पे है, ए बॉडी इज मूविंग इन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड है 10 मीटर, एक एबीसीडी स्क्वायर है हमारा, ठीक है। हमारा इसमें कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, इसमें तीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है हमारा, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, सिंपल है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बॉडी अभी ए से कहां तक मूव किया है, बी तक ही मूव किया है, तो इसके बीच में इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और मैं बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, हमें यहाँ कुछ ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो पहला क्वेश्चन था फ्रॉम ए टू बी वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों हो गया 10 मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन अभी और हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब वो बॉडी ऑब्जेक्ट ए से सी तक मूव कर जाता है। तो ए से स्टार्ट हुआ, पिछला क्वेश्चन बी तक था, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी तक। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर से हम लोग इसमें भी। तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने बताया था एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर पे, सबको पता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर, सिंपल है, बहुत आसान है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग ए से सी को मीट करवा देते हैं, ए से सी को क्या करेंगे, हम लोग मीट करवा देंगे इस पॉइंट पे। तो पॉइंट ए से सी को मीट करवाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान से देखिए, हमारा एक ट्रायंगल बन गया आपका यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ए बी और सी, ये हमारा पता है 10, ये भी पता है 10, हमको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ ए सी। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट मींस रूट अंडर 100 प्लस 100 दैट इज 200, और यहां पे अगर 100 का बाहर निकाल दिया स्क्वायर रूट, तो यहां पे हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। आप लोग यहाँ पे चाहे तो रूट 2 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.414, या फिर इसको ऐसे भी रहने दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एसी को मीट करवाया और पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है एसी में, उसको हम लोग करते हैं। देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसी में कह रहा है ए बी सी डी ए, पहले इसको समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा या बुक में भी देखेगा आप लोग। इसका मतलब है इसका इनिशियल पॉइंट, मतलब शुरू किया ए से और एंड कहां कर रहा है, वो भी ए पे कर रहा है। तो यहां पे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखिए, ए से चला बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल लेंथ स्क्वायर के पेरिमीटर के इक्वल, सब साइड को जोड़ देंगे 10 प्लस 10, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं 4 × 10 मीटर, that will be equal to 40 meter। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। आप लोग चाहे तो AB plus BC plus AD plus DA, ये भी कर सकते हैं, अलग अलग आंसर वही आएगा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर आसानी से पाइए, समझ गए। तो A से चला और पहुंचा कहाँ, फिर तो A पे ही पहुंच रहा है, that means इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है।
और इस कंडीशन में मैंने बताया था कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, जीरो। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका खुला होगा, दिमाग खुला होगा, देखने का नजरिया बदला होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन में करवाऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। ये भी बेस्ड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिगर बनाइएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। मैंने पहले बताया है कि क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका, जो गिवन है पहले उसको लिखिए लैंग्वेज में। तो ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। एक आदमी है जो कि 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है, देन 2.0 मीटर दैट इज 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद वो 2 मीटर साउथ की तरफ मूव करता है, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और फाइनली वो 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है और रुक जाता है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको खुद से इसका ड्राइंग करना होगा। तो ड्राइंग हम लोग करते हैं, देखिए सबसे पहले कर रहा है कि एक आदमी है 1.5 मीटर चलता है ईस्ट में, तो हम 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ इसको मूव करवाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए था हमारा, यहाँ से इस आदमी चलना शुरू कर रहा है 1.5 मीटर ईस्ट। जाने के बाद ईस्ट आप लोग समझ रहे हैं, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इतना तो हर कोई जान रहा है। ठीक है, तो 1.5 मीटर ईस्ट मूव कर गया। उसके बाद कह रहा है कि 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, अब यहां से ये 2 मीटर साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि ये दे रहे हैं ये 2, एंड देन फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां से इसका साउथ आप लोग समझ रहे हैं इस पॉइंट पे होगा, तो बी, ए से बी, बी से फिर ये सी की तरफ आता है और यहाँ पे पहुंचता है 2 मीटर। अब फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, देन फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और यहाँ से फिर ये 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ, तो 4.5 मीटर कहीं यहाँ पे होगा, हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट को डी। तो ये हमारा स्केच हो गया गिवन क्वेश्चन का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्केच बना लिया, ए से बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो अब कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, डिस्टेंस में बताता हूँ। डिस्टेंस तो हम लोग का सिंपल है, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता है सबको, सम ऑफ द लेंथ। तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सबको एकदम समझ में आ रहा होगा, दैट विल बी क्रिस्टल क्लियर। सबको जोड़ देंगे हम लोग 1.5 + 2 + 4.5 ऐड कर दीजिएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो इस पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर से मैं फिगर बता रहा हूँ और वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अच्छे से देखेंगे। सो अब देखिए आप लोग, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, तो मेन डिस्टेंस तो इजी होता है, हमेशा लेंथ निकाल देते हैं उसका सम। डिस्प्लेसमेंट, अब तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन मिलाएगा उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ। तो हमारा इनिशियल था ए और फाइनल था डी, मैंने यहाँ पे ए से डी मैच कर दिया, आप लोग स्केच एकदम सुटेबल बनाइएगा। तो ए डी का लेंथ हमको कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे ए डी का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ना ही ये ए से इसका लेंथ पता है, ना ही यहाँ से यहाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स यूज करेंगे, एक पैरेलल लाइन जस्ट इसके पैरेलल बी सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम लोग ए से। तो यहां मान लीजिए एक पॉइंट मैंने मान लिया ई, तो ए ई का लेंथ क्या होगा, बी सी के जस्ट पैरेलल है, सेम लेंथ का होगा, तो ये हो गया 2 मीटर का। अब क्या करेंगे हम लोग, ई सी को मीट कराते हैं, इससे देखिए क्या फायदा होगा, ई सी को मीट करवाते हैं, ई सी जस्ट पैरेलल ए बी के, और जितना लेंथ ए बी का उतना ही लेंथ ई सी का, क्योंकि जान लीजिए कि कभी भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कोई आदमी चलता है और जब हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो आदमी हर बार 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। दैट मींस ए से बी गया तो यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है, यहाँ से गया तब भी 90 डिग्री, तो हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, और इसी के बेस पे क्वेश्चंस बनते थे। तो अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए क्वेश्चन में, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या होगा, दैट विल बी ए ई डी। ए ई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ड्राइंग हम लोग थोड़ा अलग से बनाते हैं। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए ई और डी, हमारा ए ई का लेंथ क्या है 2 मीटर है, ई डी का लेंथ, तो ई डी का लेंथ देखिए, ई डी बराबर होगा ई सी प्लस सी डी, ई सी प्लस सी डी के इक्वल, हमारा ई सी का लेंथ क्या होगा जस्ट ए बी के इक्वल, दैट मींस 1.5 मीटर।
तो हमारा EC plus CD that will be equal to हमारा ED 4.5 plus 1.5 दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा हमारा 6 मीटर। तो हमारा ED भी फाइंड आउट हो गया 6 मीटर। राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन बन गया एकदम आसान। ये हमारा AD का लेंथ फाइंड आउट करना है that will be equal to the hypotenuse। अब hypotenuse पाइथागोरस लगा देंगे हम लोग। H will be equal to root under AE square plus ED square। हमको दोनों का लेंथ पता है AE का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 40। रूट 40 को हम लिख सकते हैं 10 इनटू 4 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे बच जाएगा 2 रूट 10 मीटर। रूट 10 का आप लोग चाहे तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। रूट 10 का वैल्यू अप्रोक्स 3.15 का आएगा 3 का स्क्वायर 9 तो इसको अगर आप लोग चाहे डेसिमल में तो 3 इसका हो जाएगा हमारा 3.15 that will be equal to 6.3 meter। तो ये हमारा displacement find out हो गया। तो आप लोगों ने देखा कैसे question बनाते हैं। अगर इस तरह से कुछ भी नहीं पता चल रहा हो parallel line खींचेंगे एक right angle triangle का formation हो गया Pythagoras theorem लगाया and we get the required answer। तो ये best concept था best तरीका था और high level के सवाल मैंने करवाया। अब एक question हम लोग देखेंगे circuit पे based ठीक है। तो पहले इसको note down कीजिए। So here is the next question और ये based है circular motion पे ठीक है। Question क्या कह रहा है समझना अच्छे से। A man travels on a circular path of radius 7 meter as given in figure। एक A B C D points है हमारा diametrically opposite points है। इसको ध्यान दीजिएगा इसका बाद में use होगा। तो diametrically opposite A C and B D और इसका radius given है 7 meter। इसमें भी 3 questions हम लोग करेंगे और concept बिल्कुल clear हो। पहला करना distance और displacement find out करना है। If it travels A to A, A से स्टार्ट करता है और पहुंचता भी कहां पे है A पॉइंट पे ही। तो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो A से स्टार्ट किया और फाइनली मूव किया A। तो इसमें A कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ दैट मींस हमारा अगर डिस्टेंस यहां पे फाइंड आउट करना तो मैंने बताया था कि सर्किल में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हम यूज करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई r का वैल्यू पुट करना है हमको 2 into 22 by 7। रेडियस हमारा गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल तो हमारा डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं क्या निकल गया 44 मीटर जब वो ए से ए की तरफ मूव करेगा ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया हम। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात ए से शुरू किया और पहुंचा भी कहां ए पे ही पहुंच रहा है ठीक है। तो इस कंडीशन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इस पहले क्वेश्चन को लिखिए सॉल्यूशन फिर मैं दो और क्वेश्चंस करवाता हूं। अब कौन सा करा। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। तो उसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना है अगर वो ऑब्जेक्ट ए से सी तक मूव करता है ठीक है। तो ए पॉइंट ये है और सी पॉइंट हमारा ये है। आप लोग देख रहे हैं कि सर्किल का ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। कहने का मतलब इस तरह से अगर मीट करवाया जाए तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा। इसका हम लोगों को ए से सी का सबसे पहले क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग डिस्टेंस मैंने बताया सर्कमफेरेंस। तो पूरे सर्किल का अगर सर्कमफेरेंस लेंगे तो 2 पाई और ये एक सेमी सर्किल फॉर्मेशन हो रहा है। ए से सी तक एक सेमी सर्किल फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस हमारा हो जाएगा पाई आर। पाई आर के इक्वल हो जाएगा तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 22 बाय 7 इनटू रेडियस हमारा 7 था 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो देख रहे हैं डिस्टेंस आ रहा है 22 मीटर। देखिए कंप्लीट सर्किल में आया था ए टू ए में 44 इसका हाफ आ रहा है यहां से प्रूव भी हो रहा है ये सेमी सर्किल फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए फिर मैं बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो अब देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है उसी क्वेश्चन में। तो ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट दैट मींस हम कोई ए और सी को मीट करवा देंगे। ए और सी को जब मीट करवाएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन होगा डायमीटर के बराबर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा डायमीटर के इक्वल। और सर्किल का डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2r तो 2 7 दैट इज 14 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जब ए से सी के लिए फाइंड किया तो कितना आ गया 14 मीटर। इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के टॉपिक का। सो अब देखिए ए टू डी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए से डी का अब निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ठीक है। तो हमारा पॉइंट ए यहाँ है और डी पॉइंट हमारा यहाँ। सबसे पहले डिस्टेंस की चर्चा करना है।
तो डिस्टेंस देखिए आपको ए से स्टार्ट होगा और डी तक पहुंचना है, तो ए से सी तक सबसे पहले देखिए, तो डिस्टेंस जो हमारा होगा पहले ए टू सी के बीच में क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला पाई आर के इक्वल, क्योंकि एक सेमी सर्किल हो रहा है, और सी से डी, तो सी से डी हमारा एक आर्क फॉर्मेशन हो रहा है, आर्क ऑफ एन सर्किल, तो सी का जो हमारा सी डी का जो हमारा है ये आर्क का लेंथ है, आर्क सी डी का लेंथ, तो पाई आर 22/7 × 7 और आर्क का लेंथ सर्किल में आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्क का लेंथ 2πr θ/360°, तो यहां से भी निकाल सकते हैं और इससे भी जस्ट सिंपल मैं बता दूं, देखिए इस पॉइंट को इससे मिलवा दीजिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट फॉर्मेशन होना है चार, और हर आर्क का यहां पे क्योंकि एक सर्किल है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो हर आर्क, चारों आर्क जो है यहाँ पे सब का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखिए कि हर लेंथ पे ये जो है हमारा, ये सीडी जो हमारा आर्क है, ये क्या है, पूरे सर्किल का फोर्थ पार्ट है, पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, और आर्क सीडी क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है, दैट मींस बाय 4, तो यहाँ क्या कर देंगे πr बाय 2, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, दैट इज 22 प्लस पाई आर बाई 2, 22/7 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल 2 11, तो हमारा जो आ रहा है 33 मीटर, ये डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे सी डी आर्क इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90° रखेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल होता है जो आर्क बनाता है सर्किल के सेंटर पे, और क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट है चार राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ थीटा भी आप 90° पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी पुट कीजिएगा तो 90/360, यहाँ से भी कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि पाई आर बाई 2 ही आ रहा है, या फिर डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, दोनों तरह से आप चाहे तो बना सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा और आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए हम लोग को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ए से डी के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ पे ए से डी को हम लोग मीट करवा देंगे, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखता हो, यहाँ पे सेंटर को अगर ओ मान लिया जाए तो यहाँ पे 90° का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इस टाइप का हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो अब सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ एडीएम को फाइंड करना है, AO, AO हमारा क्या है, सर्किल के रेडियस के बराबर, ये भी 7, OD, ये भी सर्किल का रेडियस है, तो ये भी 7, दैट मींस ये भी हमको 7 है, ये भी 7 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AD का लेंथ आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AD, और AD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, क्योंकि AD हमारा क्या है, स्ट्रेंगल का हाइपोटेनस है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो AD बराबर OA का स्क्वायर 49, OD भी सेम है क्योंकि दोनों रेडियस के इक्वल है, ये भी 49, तो ये हो गया रूट अंडर 98, रूट अंडर 98 को हम लोग लिख सकते हैं 49 × 2, 49 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेंगे 7, बचेगा हमारा 7√2 मीटर, आप चाहें तो आप √2 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, √2 का वैल्यू होता है 1.414, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लें, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, हमारा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे सारा न्यूमेरिकल्स हो गया, अब आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।